और आज हम लोग टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं टाटा सफारी का। और इस टेस्ट ड्राइव के अंदर जो है हम लोग ऑन रोड भी करेंगे, ऑफ रोड भी करेंगे। अभी हमारे साथ जो है अभिनव सर भी मौजूद है और रोशन भैया भी हैं जो कि एज अ कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर। और स्पेशल थैंक्स टू SS मोटोजैन धनबाद जिन्होंने जो है ये कार जो है हमें प्रोवाइड की, और पांडे सर को भी एक स्पेशल थैंक जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया और सपोर्ट किया। चलिए हम लोग चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो है हम लोग इसके ऑफ रोड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको ऑन रोड पर लेकर चलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके अंदर। टाटा सफारी के अंदर कुछ इस तरीके का इंटीरियर है। डैशबोर्ड का लेआउट जो है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे जो आपको मोड वगैरह जो है मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग इसमें आपको मिलता है। और उसको रिलीज़ करने के लिए जो है जैसे ही आप पावर बटन यहाँ से प्रेस करते हैं और उसके बाद जो है आपको ब्रेक पैडल को प्रेस करना है और इसको जो है इस तरह से डाउन करना है। और इसको रिलीज़ करते ही जो आपका हैंड ब्रेक है वो डिसंगेज हो गया है। चलिए एक बार जो है मैं आपको अंदर से ऑफ रोडिंग करके दिखाता हूँ कि बॉडी रोल वगैरह क्या है। रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। और हमारे अभिनव सर जो है वो रफ रोड मोड जो है वो एक्टिवेट कर दिए हैं। सर एक बार दिखाइए उधर कैसा पैच है एक बार। सर फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी काफी अच्छा ऑफ रोडिंग हो रहा है इससे। बॉडी रोल वगैरह भी नहीं महसूस हो रहा है, एकदम स्टेबल है। और एक बार जो है सर हम लोग बाहर से भी दिखाएंगे क्या सर? Thank you.
अभी जो है यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये जो है टायर प्रेशर मॉनिटर है। चारों टायर में कितना प्रेशर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि PSI में दिया हुआ है, 37 PSI और कितना टेम्परेचर है टायर का वो भी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। एक में जो है 42 डिग्री सेल्सियस है और इस साइड वाले में जो है 34 डिग्री सेल्सियस, और दोनों में आप देख सकते हैं पीछे में एक में 33 है एक में 37 है। तो अब जो है हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे सर हम लोग? ऑन रोड चलेंगे और स्पीड टेस्ट करेंगे कितना हाई स्पीड क्या जा सकते हैं। हाँ, क्या हम लोग फिलहाल इस रोड पे लेके जा सकते हैं इसको। और ये 100 अभी नौ सर, कुछ अपना एक्सपीरियंस आप बताइए। एक्सपीरियंस ये गाड़ी को मैंने कल टेस्ट ड्राइव टॉप स्पीड था 180। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में बैलेंस हो गया, रोड पे चल रहा था रोड। हाँ सर, वो तो खैर अभी हम भी एक्सपीरियंस किए हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जो है रोड ग्रिपिंग बोलिए या फिर इसका ब्रेकिंग बोलिए, हर चीज जो गाड़ी में परफेक्ट होना चाहिए वो सारा चीज़। और ये सब बम्प वगैरह भी जो है ना ये महसूस नहीं होता है अंदर, सस्पेंशन जो है ना काफ़ी सॉफ्ट है। सर कितने मोड्स में आती है सर? मोड्स वगैरह भी जो एक बार चेकआउट करवा दीजिए व्यूअर्स को। दो है एसपी के जो टेरेंस मोड्स है, टेरेंस कंट्रोल, उसमें आपको वेट मोड एंड रफ रोडिंग मोड्स। एक जो इको मोड होगा उसमें माइलेज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एंड स्पोर्ट्स, तो ड्राइविंग मोड्स है। ड्राइविंग मोड्स आपको तीन मिलेगा, सिटी, इकोनॉमिक एंड स्पोर्ट्स, मतलब सारा हैरियर वाला ही मोड इसमें मिलता है जी सारा। दो हजार आरपीएम के बाद गाड़ी एकदम तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इसमें इंजन की बात कर ले तो इसमें जो है आपको सेम इंजन जो है हैरियर में मिलता था, 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल, 170 पीएस पावर जनरेट करता था और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क था। बट अगर हैरियर से इसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है उससे, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, चाहे ब्रेकिंग का मामला हो या गियर शिफ्टिंग वगैरह का या टॉर्क वगैरह का, कुछ भी आप देख लीजिए, स्पीड से भी रिलेटेड अगर कोई है तो वो हैरियर से काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको मिलता है। और अगर ओवरऑल रिफाइनमेंट की बात करें, इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है सर। इस ट्रांसमिशन के अलावा जो है इसमें और 6-speed ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है सर ना? 6-speed ऑटोमेटिक मिल जाएगा और वो जो है टॉर्क कन्वर्टर के अंदर आएगा जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सर बोल रहे थे कि इसमें जो इंजन नॉइज है, टाटा ने जो काफी अच्छा इंसुलेशन का काम किया है जो कि आपको केबिन में जरा सा भी सुनाई नहीं देता है। केविन जो है काफ़ी साइलेंट है, जैसा कि ये डीजल इंजन है, बड़ा इंजन है, 2000 सीसी का इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है, तो उस हिसाब से नॉइज़ वगैरह जो है इसमें काफ़ी कम है, नॉइज़ आपको बहुत कम मिलेगा इसमें आपको। तो सर आप शोरूम की तरफ चला जाए, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को करते हैं एंड यहाँ पर। और अगर आपको टेस्ट ड्राइव करना है, बुकिंग करना है या परचेस करना है, वीडियो धनबाद से देख रहे हैं तो SS मोटोजन धनबाद टाटा को संपर्क कीजिए। यहाँ पे हमारे अभिनव भैया हैं, इनका भी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लगा दूंगा और इनसे भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं बुकिंग के लिए, परचेस के लिए, टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।